हमारा ये घर दोस्त हवा में पूरा उड़ गया यार। देख पा रहे होंगे आप इधर, ये हवा में पूरा बर्बाद हो चुका है ये घर। सो हाय दोस्त है, आप सभी हमारे दोस्तों को हमारे ब्लॉग चैनल में प्यार भरा नमस्कार। सो दोस्त है, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्त है, सुबह सुबह की टाइम है, सुबह सुबह का भी 8 बजने वाला है, और सुबह सुबह का आप सभी को गुड मॉर्निंग प्यार भरा नमस्कार। सो दोस्त है, आज हम आपको दिखा रहे हैं यार कि हमारा घर कैसे बर्बाद हो चुका है, क्योंकि हवा इतना तूफान आया कल ना दोस्त, हम और घर में थे नहीं हम लोग, और इतनी भयंकर तूफान आया कि हमारी जो ये देख पा रहे होंगे इधर, जिसमें खद्दर छाया हुआ था, पन्नी वगैरह लगा हुआ था, तो पूरे तरह से ये नष्ट हो चुका है। ये देख पा रहे होंगे आप इधर, इसमें इसके ऊपर खद्दर लगा था, पूरा पन्नी वगैरह लगा हुआ रहा, जो कल इतना भयंकर तूफान आया, इतनी भयंकर आंधी आई कि हमारा घर को पूरा जितना ऊपर छाया हुआ था वो पूरा निकाल के ले गया दोस्त है। कितना दूर उड़ा के ले गया कोई पता नहीं। तो दोस्त यहाँ अब पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। हम इसको बनाए थे कि कोई यहाँ बगल से रोड लगा हुआ है, देख पा रहे होंगे, इसको हम इसलिए बनाए थे कि कोई यात्री वगैरह आते रहते हैं तो यहाँ कोई विश्राम करता है, कोई सो जाता है, भूले भटके लोग आ जाते हैं। तो फिर ये दोस्त है, अब हमें इसे फिर से बनाना पड़ेगा यार, जिसमें हम बहुत मेहनत लगाए थे, बहुत मेहनत किए थे। तो दोस्त है, अब क्या करें, हमारे पास इतना इनकम भी नहीं है कि हम इतना जल्दी इसमें कुछ सीट वगैरह और लगवा दें। तो दोस्त है, आपको अगर थोड़ी सी दया हो यार तो हमारी चैनल को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आने वाले वीडियो थोड़ा सा अच्छे से बना पाएँ। आप लोग हमें थोड़ा सा प्यार दे दीजिएगा दोस्त, हमारे ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है यार। अब हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, हम किस तरीके से बहुत मेहनत करके इसको बनाए थे दोस्त, बहुत मजदूरी भी लगा रहा हम, और ख़ुद बहुत मेहनत किए थे तब जाके ये बन पाया था। अब हम करें तो क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और ये नीचे वो ठेला देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे हमारा सिलाई चलता है। अब क्या होता है ना दोस्त, अब जब पानी आता है तो ठेला में थोड़ा सा छेद छेद है तो उसके अंदर घुस जाता है, हम अभी जाके दिखा रहे हैं आपको। और ये बगल में रोड है, देख पा रहे होंगे, और उस साइड में दिख रहा है आपको आश्रम, पीपल का जो पेड़ दिख रहा है आपको, देख पा रहे होंगे वहाँ भी एक आश्रम है, और इसको भी हम इसीलिए बनाए थे कि कोई आएंगे यात्री लोग, कोई यहाँ नर्मदा परिक्रमा वाले आते रहते हैं तो रुकेंगे। और ये है हमारा दुकान दोस्त है, जहाँ पे हम सिलाई करते हैं यहाँ पे। तो अब ये क्या होता है दोस्त है, उसके उड़ जाने के बाद यहाँ पे जब पानी गिरता है तो यहाँ अंदर आ जाता है पानी, क्योंकि वो ऊपर छाया बचा नहीं, ऊपर का जितना छाया था तो वो पूरा बर्बाद हो चुका, इसलिए अब जो जितना बहुत सारा पानी यहाँ, जब पानी आता है तो ये अंदर यहाँ पे जमा हो जाता है, तो हमें बहुत दिक्कत भी होता है यहाँ पे सिलाई भी करने में, यहाँ काम करने में बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है दोस्त है। अब क्या करें यार, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। सो दोस्त है, आप थोड़ा सा हमें हेल्प करिएगा यार। देख पा रहे होंगे हम कहाँ कहाँ से लकड़ी वगैरह लाके इसको बनाए हुए थे दोस्त है, बहुत ही मेहनत किए थे यार, इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत लगा था कि अब हम क्या बताएं। और ये पूरे तरह से उजड़ गया दोस्त, तो हमें बहुत ही दुख होती है यार, बहुत ही समस्या होती है, क्योंकि यार जिसमें अगर मेहनत किया रहे और वो बर्बाद हो जाए तो कितनी बड़ी दुख होती है, वो वही समझ सकता है जो उस काम को किया हो दोस्त, इसलिए हमें तो बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है, बहुत ही दुख होता है हमें। अब हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, अब हमें तो बनाना ही पड़ेगा फिर से हमें इसको, क्योंकि हम इसको बनाए थे ना दोस्त इसलिए कि यहाँ कोई आए रुके, यहाँ यहाँ आके बहुत लोग आते हैं इस रोड से, बहुत लोग गुजरते रहते हैं तो उनको रुकने के लिए स्थान नहीं मिल पाता, बहुत ही उनको समस्या होता है, भटकना पड़ता है, इसलिए हम इसको बना दिए थे कि चलो यहाँ आएंगे तो कम से कम लोग रुकेंगे, यहाँ ठहर के खाना पीना बनाएंगे खाएंगे, बहुत यात्री लोग आते रहते हैं इस रोड में इसलिए। लेकिन अब ये तो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका दोस्त है, अब हम क्या करें यार, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग ही कुछ बताएंगे दोस्त है, अब हम करें तो क्या करें। सो दोस्त है, हम इसको अब बनाएंगे, लेकिन अभी तुरंत तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है इतना कि हम इसको तुरंत बना पाएँ।
सो दोस्त है, आप लोगों का अगर प्यार मोहब्बत रहेगा यार तो हम इसको ज़रूर बना पाएंगे। तो दोस्त इस वीडियो में हम आपको यही बस दिखाना चाह रहे थे यार, हमारी वीडियो यहीं पे लास्ट होती है। दोस्त हमारी वीडियो को प्लीज़ आपके अंदर थोड़ा सा दया हो तो प्लीज़ यार प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी और हौसला बढ़े और हम आगे अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। सो दोस्त धन्यवाद, बाय बाय।